जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग MFL इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों का डिमांड था कि इसके ऊपर वीडियो लेकर आइए। चलिए देखते हैं कि इस स्टॉक में अभी क्या कुछ नया हुआ है या रिसेंटली हाल के दिनों में कुछ नया होने वाला है या नहीं। हम इसके बारे में यह भी बात करेंगे कि शेयर प्राइस कब तक इसके ऊपर जाएंगे ताकि जो लोग काफ़ी दिनों से इसमें फंसे हुए हैं वो बाहर निकल सकें। नए लोगों के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे नया इन्वेस्टमेंट करने का। शुरुआत शुरू से करते हैं। देखेंगे तो तकरीबन 62 पैसे के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। क्योंकि अभी मार्केट क्लोजिंग के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं तो यहां पर शेयर प्राइस में कोई मूवमेंट होते हुए आपको नहीं दिख रहा है। कंपनी के काम की बात करें तो आपको पता है कि जो कंपनी है लॉजिस्टिक्स एंड कार्गो ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी है। सामानों को समुद्री जहाज़ के माध्यम से जो कार्गो पर मतलब जहाज़ होते हैं उस पर सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंपनी काम करती है। इसके अलावा भारत में बात करें तो इसके पास हैवी व्हीकल्स है, ट्रक्स है, जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कंपनी अपने इक्विपमेंट को अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। तो ये कंपनी का काम हो गया। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का जो बिजनेस है भारत में खूब अच्छे से चलता है, आपको पता है, और आने वाले समय में भी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस खूब ग्रो करेगा, ये बात आप मानकर चलिए। तो काम के लिहाज से देखें तो MFL इंडिया का जो मत कह सकते हैं कि शेयर प्राइसेस के काम की बदौलत आने वाले समय में ग्रो करेगा। तो सिर्फ काम ही नहीं देखते, काम के अलावा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी देखना होता है। तो ये तो हम लोग काम देखे अभी। चलिए अब हम लोग फंडामेंटल के माध्यम से समझते हैं कंपनी कितना मजबूत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप। तो मार्केट कैप देखेंगे कम होकर 22 करोड़ के आसपास रह गया, जबकि आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन आपको 50 करोड़ के आसपास पहुँच गया था। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखेंगे तो मार्केट कैप कम हो गया शेयर प्राइस कम होने की वजह से, और इसका जो शेयर प्राइस है वह अभी बुक वैल्यू से अभी ज़्यादा है। शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से अधिक होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। बुक वैल्यू बहुत कम है, ये एक चिंता की बात है। हालांकि यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूवमेंट का पता नहीं है, मतलब 0% है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इन्वेस्टमेंट पर फिलहाल कंपनी कुछ कमा के नहीं देगी, ऐसा ROE 0% है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब चलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से यानी चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अभी आने वाले समय में और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे अभी मैंने 1 साल का चार्ट ओपन किया हुआ है, और 1 साल का चार्ट पर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कंपनी का जो शेयर प्राइस से भी डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि शेयर का प्राइस यहाँ से देखेंगे तो कंटिन्यूस यहाँ तक डाउन आया, तकरीबन जून 2023 की बात कर रहा हूँ, और मार्च तक तो डाउन आया। मार्च में क्या हुआ कि W पैटर्न बना, जब भी W पैटर्न बनता है तो शेयर प्राइस ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर गया भी लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से फिर स्टॉक नीचे आने लगा। और अभी देखेंगे कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन रेंज में स्टॉक फंसा हुआ, तकरीबन 60 पैसा से लेकर 70 पैसा इसी के बीच में स्टॉक घूम रहा है। और अभी आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो 60 पैसा के आसपास प्राइस घूम रहा है, घूमते घूमते आएगा 50 पैसा के आसपास, और यहाँ पर सपोर्ट लेके प्राइस बाउंस बैक मारेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर्स के नंबर आ रहे हैं ना वो काफ़ी मजबूत आ रहे हैं। मैं यदि आपको यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊँ इस कंपनी का, तो आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो कंपनी के टोटल सेल्स हुए हैं, यानी कि मैं Q4 की बात करूँ, अभी तो Q4 के नंबर आएंगे, तो Q4 में देखेंगे कंपनी के जो मार्च क्वार्टर के नंबर आए हैं तकरीबन 11 करोड़ 47 लाख के आसपास हुए हैं, जो कि पिछले कई क्वार्टर में सबसे ज़्यादा है। और ये सिर्फ सेल्स ही नहीं हुए हैं, इसके बदौलत कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखा है। तो नेट प्रॉफिट में देखेंगे कंपनी काफ़ी दिनों के बाद अच्छे खासे प्रॉफिट में आई है, 6 लाख के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, चूँकि कंपनी का कमाई बढ़ा है। जब भी कमाई बढ़ता है तो कंपनी की प्रॉफिट जाहिर सी बात है बढ़ेगी ही, आपके पास पैसा आएगा तो आपका आमदनी जब बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि खर्चे कंपनी कम कर रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी क्वार्टर के नंबर आ रहे हैं तो इसके बदौलत कहीं ना कहीं कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसमें आने वाले समय में जो चार्ट है वो बाउंस बैक मारेगा, चार्ट इसका ऊपर की तरफ जाएगा और इसके बाद शेयर प्राइस भी बढ़ोतरी होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स देखेंगे तो अभी तकरीबन इसमें 42% के आसपास कंपनी के 0.42% के आसपास प्रमोटर्स हैं, बाकी मैक्सिमम शेयर इस कंपनी के जो है 99% से भी अधिक पब्लिक के पास पड़ा हुआ है। छोटी कंपनी में यही होता है कि प्रमोटर्स कम होते हैं, पब्लिक के पास ज़्यादा हिस्सेदारी होती है और वही पब्लिक अपना सेल बेच करते रहती है। तो यहाँ पर यदि मैं आपको बताऊँ MFL इंडिया में भी करना क्या है, तो MFL इंडिया में भी आपका इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम 50 पैसे तक जाने तक बने रहना है। 50 पैसे के बाद यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर उठेगा, आप बात मानकर चलिए, और उसके बाद यदि आप जहाँ भी प्रॉफिट बुक करना चाहें अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। नए लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 50 पैसे के आसपास तक शेयर प्राइस आने दीजिए, यहाँ पर प्राइस आने के बाद आप नया इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ MFL इंडिया के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई है वो बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।